दिन आदर्श चुनाव के मंच से मैंने कहा था कि जो मारे मेरे कार्यकर्ताओं को छेड़ेगा, जो घेरेगा, जो छेकेगा, जो गुंडागर्दी करेगा, उसका इलाज पिछली बार 3 बूथ पर जिस तरीके से करवाए थे वैसे ही 300 बूथ पर इलाज इस बार करवाएंगे। और बड़ा खड़बड़ाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल और मीडिया के सहयोग से पूरे बिहार में टीवी चैनल पे चलवा रहा है कि बक्सर का सांसद लाठी से पीटने का बात किया, भूत लुटेरे को लाठी से नहीं पीटा जाएगा, तो क्या उनका फूलमाला से स्वागत होगा क्या? अगर ऐसा है तो बताइए ये भूत लुटेरे को लाठी से जवाब देंगे कि नहीं देंगे? हम लोग प्रशासन के बल पर जो भूत लुटेरे का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, जो लगातार कल रात में मेरे 3 कार्यकर्ताओं के घर पे जो पुलिस ने छापामारी किया, क्या ये न्याय संगत है? अगर न्याय है तो भाजपा के पूर्व विधायक अशोक सिंह के घर पर छापा मारिए, करोड़ों रुपए नहीं मिलेंगे तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, करोड़ों रुपए। ये जो मंत्री है उसके घर से पैसे बांटे जा रहे हैं, मोहनिया के पगनी गांव में बैठा हुआ मंत्री के घर से लगातार गरीबों में पैसे बांटने के, सरकारी अधिकारियों के गाड़ियों को चेक कर लीजिए जिनके गाड़ियों में दारू के शराब के पेटी लाद के घूम रहे हैं, साड़ी लाद कर घूम रहे हैं सरकारी गाड़ियों में। ऐसे लोगों से हम लोग लड़ेंगे, अंतिम दिन तक लड़ेंगे और रामगढ़ के राजनीतिक इतिहास को और पूरे बिहार की राजनीति को दिशा जो हमने दिया है इससे हम पीछे नहीं हटने वाले, चुनाव डंके के चोट पर जीतेंगे जैसे पिछली बार जीते। मुझे याद है हमारे जो प्रबंधक है पिंकू सी पिछली बार बूथ पर उनको राड से भारतीय जनता पार्टी को लोग सर में राड पर लोहे के राड से मारकर सर में फोड़ने का काम किया था, उन गुंडों को आज भी हम जानते हैं, वो गुंडे चाहते हैं कि हम दोबारा इस तरह से हम करेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग दृढ़ संकल्पी से मुकाबला करेंगे, हम इन सब शब्दों के साथ अपनी पार्टी को विराम देते हैं। जय हिंद।